गाइस में हम लोग बना रहे हैं चावल है मेरी हेल्प करनी है ना तुम अपनी करो तुमने चावल रोटी खानी है ना मेरी खाला के दो बच्चे हैं मैंने उन दोनों को सुपारी दी उन दोनों को मैंने 50-50 रुपए दिए मैंने कहा जाओ इस बच्चे को तुम लोगों ने लेके जाना दूसरी गली में वहाँ से मार के इसको भाग जाना आज का दिन पता नहीं कैसा है हालांकि इतनी बड़ी खुशी खबर इलेक्शन की लेकिन मुझे लगता है आज का टूना हुआ है नून लीग की तरफ से नून लीग वालों ने टूना करवाया है मेरे ब्लॉग नहीं बन रहे सही से क्योंकि मैंने खुशियां मनाई थी ना कितनी देर होगी मैं तंदूर का जूस बना मुझे किसी कुत्ते बिल्ले ने नहीं आख्या हाँ तो जाहिर सी बात है मैं सोया हूँ मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई उठे तो मैं जाओ बाहर अंधेरा था मेरे भी भाई हाजिर हो जाते तो मैं जितना आ जाता तो वो मुझे कौन पूछता तो सब चढ़ के भाग जाते मैं जीत के साथ अकेले मुकाबले करता भाई जीत तब भूत था तो जाहिर सी बात है ना ये तो टैलेंट होता है किसी किसी में मैं ना लगा के देखूंगा पता क्या पी डी सी एल वालों ने वैसे बोल टी वी है ही नहीं पी डी सी एल थे चलो ओ मैं चुचू क्या कर रहा है फिर आपसे बात करते हैं रात के 12:30 बजे ठीक कोई नहीं ज़्यादा गाइस मैं भूखा बैठा हूँ मुझे कुछ नहीं बना के दिया इन लोगों ने गला क्यों ख़राब हो गया मेरा अब मैं जाकर फ्लिप बॉटल की तैयारी करूँगा कि हाँ उसकी तैयारी करता हूँ ना फिर मैंने चल भी तो लेना है ना उसके बाद दिन में क्या करना है हाँ दिन में हम लोगों ने एक सूट स्टिच करने का मैंने सीखना है कल सूम से किसका ये नहीं बताऊँगा किसका उसका बेड़ा गर्क करना है मैंने कल दिन में नलकियाँ लेने गया हूँ इतनी दो से नलकियाँ ढूंढ के थक गया आगे सोया हूँ फिर मैं अफ्तारी के बाद उठाऊँ सुबह के 3 बजे रात के 3:30 बजे क्या उठ गई है गाइस मुझे खाना मिलने लगा है मुझे खाना मिलने लगा है गाइस डाइटिंग का शोर किसने बजाया कौन सा डाइटिंग तो डाइटिंग की हो रही है अब मैंने इफ्तारी नहीं की तो हमने कौन सा की है हाँ तो मैंने कौन सा डाइटिंग मैंने कहा था बस पेट कम करना है मैंने डाइटिंग का नहीं कहा था ऐसे कोई नहीं होता है फिर तो मैं वीक हो जाऊंगा मैंने मेडिसिन भी खानी होती है फिर चक्कर आते हैं लोगों बताओ इधर आ गया चलो ये ना कल से इसने ना चर्च पी ली थी सूटा लगाया था इसने सूटा क्यों बताओ क्या खाना है आपने मेरे लिए दो बराबर चलो एक खा लेता हूँ डाइटिंग पे मैंने आज ना एक्सरसाइज सीखी है गाइस मैंने एक्सरसाइज सीखी कल सुबह पता कौन सी फेस के ना ये जो फैट कम करने तो की वो तो मैंने भी तो वैसे खाई थी कौन सी तुमने तो ऐसा वैसे खाई थी ना डबल चिन वाली तो ये देखो मेरी तो नहीं खाई मैं डबल चिन कम हुई है ये देखी नहीं बताया पहले आपने करना बहुत अजीब हो गई ये नहीं इतनी अजीब हो गई है फिर ये ऐसे से करना है उसका ये वाली है इतनी अजीब गरीब मैं करता रहा पहले बैठ के फिर वो पता नहीं और भी थी ऐसे अजीब गरीब लेकिन मैंने करता रहा वो अकेले बैठ करने वाली एक्सरसाइज है क्योंकि कोई और देख लेगा तो आप भी स्नैपचैट भी बन सकती हो कुत्ते का फिल्टर नहीं होता एक तो उसमें वो है ना जुबान निकाल उसके 850K व्यूज थे 950 व्यूज बनते हैं मेरा फेस पहले जैसा मैं पुराने ब्लॉग देख रहा था उसका मेरा फेस पतला था ये पता क्या मुझे लगता है फेस ना जब सो उठता तो वो फूल जाता है सूजा होता है सर्दी खा जाती है मैं नाक भी हाँ मैं भी सो उठता हूँ तो मुँह फूल जाता है पता नहीं क्या है लेकिन पेट तो सोने से पहले भी वैसे ही होता है सोने के बाद लेकिन मैंने रमजान के बाद रनिंग स्टार्ट कर दी क्यों है
आई अंडा खराब हो गया तुमने यार कूलर की। ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश जी, तो बहुत अच्छा हो गया है। अब तुमने मुझे रात को भूखा रखा ना, अब तुम पे गिर अत्याचार होगा। क्या चावल ही मैं खाने में, रोटी खाने में, मैंने रोटी खानी है। चावल मुझे मन फैट आता है उसमें, मेरे पराठा खाना, पराठे में फैट नहीं होता। मैं बर्तन धो के वीडियो बना दूँ अपनी, नहीं रहने दो, चल तुम बनाओ, तुम दो मैं बनाता हूँ, ठीक है? नहीं मैंने शौक ही नहीं वीडियो ना। चलो फिर मैं, मुझे क्या जरूरत है, नहीं तो ना मैं तुम्हें ऑफर दी थी, मैं रखना मैं तो पतला ही हो जा। दिन में मुझे मेरी बांग्लादेशी एक फ्रेंड है, उसकी मुझे कॉल आई, तो वो मुझे कहती है कि ना एक दफ़ा पहले भी उससे मेरी अक्सर बात होती रहती ना, तो कहते हैं मैं एक दफ़ा तुम्हारे से बात कर रही थी तो मेरा दोस्त आया, तो कहता है कौन लड़का है, तो मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी लड़का है, तो कहती है उससे मुझे कहा लोगों से बात ना किया करो, पूछ क्यों, कहती है ये लोग तो गद्दार है, इन्होंने 71 में हम लोग को मारा है, हम लोग ने आके हम लोग सोए हुए थे, तुमने आके हमें मारना शुरू कर दिया था, हमने बहुत ज़्यादा मारा था, उन्होंने ना बहुत कत्ल किया था, तो मैंने कहा था अच्छा, तो कहती है वो यहाँ सब कहते हैं कि ना पाकिस्तानी गद्दार है, तो मैंने कहा हाँ गद्दार है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, 71 में हम लोगों ने आपको मारा है, 71 में तुम थे, मारा है तुमने, मेरी आर्मी ने मारा है, तो फिर हम नहीं मारा है ना, तो पाकिस्तान इसलिए बदनाम है ना क्योंकि हम लोगों ने उनके हक पे डाका डाला है, हम लोगों ने उनके साथ अनफेयर किया, अनजस्टिस किया था, और फिर सारे दाम इंडिया को बता दिया था, ऐसे ही बोलता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, हम हैं जो हैं बस मानते हैं, तो कहती है अच्छा ठीक है अब हम दोस्त बन गए, अब हम दोस्त हैं, मैं गद्दार हूँ और वो मेरी दोस्त है, पाकिस्तानी गद्दार होते हैं और बांग्लादेशी के दोस्त बन जाते हैं, क्यों जी क्यों बताओ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा अब बताओ तुम लोग इतने नफरत क्यों करते, कहते मेरी मामा ज़्यादा नफरत करती हैं, हमने पूछा, मैंने पूछा हाँ क्यों मामा क्यों करती हैं, तो कहने लगे मेरी मामा मुंबई से हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बांग्लादेश जब इंडिया मिक्स हो जाएगा तो पाकिस्तानी तो गद्दार ही होंगे ना। आपको पता है दूसरे अशरे की क्या है, अब तफरुल्लाही जम्बी मिन, इसकी दुआ, अच्छा क्या है दुआ, मैं पढ़ गया बोला चली गई है टीवी पे लगी थी, अब तफरुल्लाही जम्बी मिन दुआ हो ही रही। तुम खाओ मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वैसे भी तुम मुझसे बनाती हो। अभी गाइस में हम लोग बना रहे हैं चावल, मेरी हक करनी है ना, तुम अपनी करो, तुमने रोटी खानी है ना, आटा खराब हो गया चलो आटा गूंथ लो अपने लिए। ये वाइट चावल के साथ हम लोग आज बनाएंगे दाल, तो मैं इसकी रेसिपी पूरी शेयर कर देता हूँ। दाल आपने रोटी खानी है, अब अच्छा दाल में हम लोग सेम चम्मच लगा सकते हैं चावल और दाल में, तो ये जो दाल है इसमें आपने इस दाल में चम्मच लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे तीन किस्म की दाल लेनी है, उसके अंदर आपने पानी डालना है, चार मिर्चे मसाले डाल के सारे उसको ना कुकर पे रख देते हैं, खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, उसके बाद आपने ये चावल का गैस था ऐसा कुछ गैस वाला ना, खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, रसोड़े में कौन था, जिसमें बाथरूम गई तो ऐसे कुछ करता, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में मैं था। एक गल सुन, चावलों का बंदा मोटा होता है या रोटी खराब होता है, मुझे वेट अपना लूज करना, मैं रोटी बना के देती हूं खानी है सही दस खानी है। हां ये दालें मैं देख दो तीन किस्म की दाल लेके आया था, सही दस खानी है, ये चावल लेके आया था, नहीं मैंने खराब आटे की निकाली चलो मैं भी ये चावल ही खा लूँगा, क्या तुम्हें कष्ट डालना है, चुचू का चिकन भी बॉयल हो गया है, फिर बड़बड़ नहीं करनी। अच्छा ये देखें सर मैं आपको बैक कवर से दिखाता हूँ, ये देखें ये ना चावल है ये दाल है,
कुकर में बन रही है। सुबह के 4:50 बजे 3:50 बजे चावल बन रहे हैं, मैं बिस्किट खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी रात के, फिर कुछ बना नहीं दिया था। मैंने कौन सा खाया? टाइगर बिस्किट। आप टाइगर बिस्किट मिल के मैं अभी गाइस जब तक तारी बन रही है, सूरज तारी बन रही है मैं इफ्तारी सारी एक ही होती है। अच्छा तो तब तक मैं अपना यूनिवर्सिटी का एक डिज़ाइन बना लूँ, मुझे सर बिलाल ने कहा था कि हमारे कोर्सेज आ रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी में ऑफर्ड हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं। तो रावल पिंड इस्लामाबाद के लोग उसको अवेल कर सकते हैं और उसका मैं एड भी बनाने लगा हूँ, फिर वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है देखते हैं जी। अच्छे ये आगे स्क्रीन हमारी चले गए अपने कैनवा में, कैनवा में जाने के बाद होम पे गए, उसके बाद फिर हम लोग अभी यहाँ बनाएंगे। मैं कैनवा में बना रहा हूँ, कैनवा में बहुत आसान है, वजह इसके कि आप अडोब पीडीएफ सॉरी अडोब फोटोशॉप पे आप ले लो करो, तो मैं बना कर दिखाता हूँ। ठीक है तब तक आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चूचू चूचू आप आ गए हो, मुझे डिज़ाइन भी नहीं करने दे रहे हो, आप खुद डिज़ाइन करोगे क्या? चूचू ऐसे ही करता है, जब काम करने लगे तो तंग करने लग जाता है। इसको उठाओ यहाँ से, ये देखिए माउस ऐसे करो तो कितना मज़ा आता है, ये तारे आ रहे हैं इसके साथ। पोस्टर रेडी है इसको पढ़ लें, जिस जिसने एडमिशन लेना हो इसमें अप्लाई कर लें, राहुल पिंड इस्लामाबाद के। वैसे भी तकरीबन ये पूरे पाकिस्तान में इसके एडमिशन ओपन होते हैं नैपटेक के, तो आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है इसमें नैपटेक का लोगों को लगाना पड़ता है, नैपटेक का लोगों को लगाता हूँ। सेंड हो गए हैं मेरे, ये देखें ये वाले कोर्सेज आए हैं, कौन से इस दफ़ा है यूनिवर्सिटी में नैपटेक बैच 4 के फ्री कोर्सेज, एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, इन दोनों की ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मज़ीद मालूम पता कर सकते हैं, बाकी आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए है, इनमें एक क्लास में होगी 25 सीटें खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो लेकिन मुझसे अच्छा नहीं बनाती और कुसुम तुम्हें पता है मैं तुमसे जेलस नहीं होती। ठीक है माना कि तुम लोग बहुत एंजॉय करते हो, हालांकि जो हमें नहीं जितनी दादियाँ मिली लोगों को मिली हैं वो बातें में ठीक है, लेकिन खाना बनाते हुए हाथ मेरे देखो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 16 साल की बच्ची होती है, हालांकि बेशक मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन फिर मैंने हाथों की बहुत केयर की है। मेरी स्किन चेक करो, तुम दिखाओ अपनी नहीं कोई बात नहीं, अभी फिर आज मैं उर्दू में बनावा हूँ, बनना तो पंजाबी में चाहिए था पर क्योंकि मेरे कुछ गाइस को समझ नहीं आती है पंजाबी, इसलिए तो पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग के आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहा, थोड़े से पीपल उर्दू पीपल नॉन पंजाबी पीपल पंजाबी पता लगा गिलगित वाले पंजाबी कितने अच्छे बोलते हैं करके। कुलसुम आज खाने में अचार नहीं था ना, पता है एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पे प्याज का अचार, लहसुन का अचार, आम लीमू तो ठीक है लेकिन प्याज और लहसुन का अचार भी था। बहुत खाया हमने, बहुत खाया है तुमने देखा, बहुत खाया जहाँ से बोगी ने खाया हमने भी वहीं देखा करे उसे चार से जान छोटी नेशनल का चार बना मैं। अच्छा गाइस तुमने कितना खाया? बहुत खाया इतने बड़े मर्तबान होते थे इतने बड़े तब मैं भी इतना ही था जितने बड़े मर्तबान। पोगी कितना खाया? इकट्ठे खाया पोगी तो जान छुड़ा के टोल किसी मैं अच्छी था
चूचू आप ही अचार खाना है। ओके गाइस, अचार खाने के लिए कॉन्टेक्ट करें। वैसे अचार की रेसिपी हमने सेव की हुई है, हम लोग आपको बना के बताएंगे। सारे मेरे को उसको की हड्डियां फेंकते थे पकड़ के हमारे ना अगर सबको गुस्सा देखो हाथ किसी एक ना नहीं हल्का सा ये रोने लग जाता था फजूल में। अच्छा पता क्या सबको गुस्सा आ जाता है, याद है वो हमारे घर के सामने एक रहती थी आंटी, पता था वो जिसके जिसका बच्चा था वट्टा जिसको फेंकने का दिल करता था। मैंने एक दफा ना हमारे घर के सामने एक बच्चा आंटी थी उनका बेटा था इतना सा था हाँ, वो अभी भी वैसा ही है ठीक है। तो वो ना बड़ा मोटा सा अजीब सा था वो ना दिल करता था हम उसको बंदा मारे और मारे भी ऐसा सही तरह उसको लेकिन डर भी लगता था कि अपनी मम्मी को जाके बताएगा फिर उसका अब्बा मुझे मारेगा आगे। फिर मैंने क्या किया मैंने कहा कि अगर बच्चे मारे तो फिर शायद इशू नाम है। मेरी खाला के दो बच्चे हैं मैंने उन दोनों को सुपारी दी, उन दोनों को मैंने 50-50 रुपये दिए। मैंने कहा जाओ इस बच्चे को तुम लोगों ने लेके जाना दूसरी गली में, वहाँ से मार के इसको भाग जाना। तो वो उनके घर के सामने उसे मार के चले गए थे। थोड़ा सा मारा था लेकिन जिस तरह मैं चाह रहा था ना मारे सही सही दबा के मारे वैसा नहीं मारा था। और फिर बाद में तुमने इसने मुझे कहा कि ना उन्हें कोई ये तुमसे पैसे लेके मार भी देंगे जाके आगे बता भी देंगे। हमने ऐसा नहीं कहा था, शुक्र है आंटी को नहीं पता कि मैं उसे